क्या उम्र कैद की सजा 14 साल या 20 साल की होती है? नमस्ते, मैं मीनाक्षी। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार का दिलचस्प और नया कार्यक्रम कानूनी दावपेच का पहला एपिसोड। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कानून से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे जो आमतौर पर हम सबको पता होनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हों तो किसी और से भी चैनल को सब्सक्राइब कराना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल ना भूलें। उम्र कैद की सजा को लेकर अक्सर लोगों के दिलों में सवाल होता है कि उम्र कैद मतलब ताउम्र जेल में, लेकिन फिर सजा 14 साल या 20 साल की क्यों होती है? ये कंफ्यूजन बहुत से लोगों को होगा, तो चलिए दूर करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों। ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी अपराधी का अपराध तय हो जाने के बाद कोर्ट के द्वारा उसके अपराधों के आधार पर सजा दी जाती है। अपराध जितना बड़ा होगा और संगीन होगा, सजा भी उतनी कठोर और ज्यादा होगी। इसमें कुछ साल की सजा, फांसी या फिर उम्र कैद जैसी सजा शामिल होती है। फांसी का मतलब तो सीधे मौत ही है, लेकिन दिमाग के तार उम्र कैद की सजा को लेकर अटक जाते हैं। अक्सर सिनेमा के पर्दों पर दिखाया जाता है कि कैदी को 14 या 20 साल की उम्र कैद की सजा होती है और इस सजा को पूरा करने के बाद वो रिहा हो जाता है, लेकिन क्या असल में भी यही होता है? तो यहाँ पर अपनी लॉ की इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए। ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कहे कि उम्र कैद की सजा 14 या फिर 20 साल की होती है। उम्र कैद की सजा का सीधा मतलब यही है कि ताउम्र जीवन कैद में, यानी कि जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाता। अब सवाल ये उठता है, तो फिर 14 और 20 साल की उम्र कैद वाली थ्योरी कहाँ से आई? साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में उम्र कैद को लेकर साफ साफ कहा था, इसका मतलब है कि आजीवन कारावास और इससे ज्यादा कुछ नहीं। न्यायालय का काम है सजा सुनाना और न्यायालय के फैसले को एग्जीक्यूट करने का काम है राज्य सरकारों का। राज्य सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि उम्र कैद के आरोपी को 14 साल में रिहा करें या 20 साल में, या फिर उसे मौत होने तक जेल में रखें। लेकिन उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को कम से कम 14 साल की सजा तो काटनी ही पड़ती है। प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 14 साल सजा काट लेने के बाद अपराधी के व्यवहार के आधार पर उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमिटी के पास भेजा जाता है, जहां तय होता है कि कैदी की सजा कम होगी या फिर जारी रहेगी। लेकिन कुछ संगीन अपराधों वाले मामलों में ऐसा नहीं होता है। जेल के लिए एक और बात जो बहुत आम तौर पर कही जाती है कि वहां दिन और रात को 2 दिन में गिना जाता है, ये महज एक झूठ है। बाहर की दुनिया की ही तरह वहां भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और ऐसे ही कैदी की सजा को गिना भी जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा।